जयपुर नाम के शहर में विनोद नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। एक दिन विनोद अपनी जेसीबी को लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी उसके सामने एक विशाल लावा मॉन्स्टर आ जाता है। विनोद नीचे उतरकर उस मॉन्स्टर से कहता है, ओए मॉन्स्टर, लगता है तुझे पता नहीं तूने किसका रास्ता रोका है। अब तू देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। फिर विनोद अपने रिमोट का एक बटन दबाकर जेसीबी को एक रोबोट में बदल देता है। जेसीबी रोबोट और वह मॉन्स्टर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विनोद का एक दोस्त था जो किसान था और उसका नाम मोहन था। मोहन अपने खेत में तरबूज की खेती किया करता था। जब मोहन के खेत के तरबूज बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाते तो वह उन तरबूजों को इकट्ठा करके बाजार में बेचने जाता है। दूसरी तरफ जेसीबी रोबोट और मॉन्स्टर में लड़ाई शुरू हो जाती है। जेसीबी रोबोट बहुत ही ताकतवर था। वह उस लावा मॉन्स्टर को चुटकियों में हरा देता है। मोहन को अपने खेत के एक तरबूज के अंदर से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वह उस तरबूज के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी वह तरबूज आकार में बहुत बड़ा हो जाता है। वह तरबूज बहुत तेजी से घूमने लगता है और एक वाटरमेलन रोबोट में बदल जाता है। वाटरमेलन रोबोट बहुत गुस्से में होता है। वह रोबोट मोहन के ट्रैक्टर को तबाह कर देता है और तरबूज के खेत में भी आग लगा देता है। मोहन किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाता है। कुछ ही पल में पूरा खेत जलकर राख हो जाता है। मोहन अपने दोस्त विनोद को फोन करता है और कहता है, मोहन तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। मैं अभी जंगल के पास वाले रास्ते पर हूँ। ठीक है, फिर मैं वहाँ आ रहा हूँ। मोहन कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाता है। अरे विनोद, यहाँ पर क्या हुआ था? यह मॉन्स्टर मुझे यहाँ मारने के लिए आया था, लेकिन मेरे जेसीबी रोबोट ने इसे ही मार डाला और मुझे बचा लिया। विनोद, उस वाटरमेलन रोबोट ने मेरे खेत और ट्रैक्टर को तबाह कर दिया। अब उसे और तबाही करने से रोक लो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मोहन, मेरा जेसीबी रोबोट इतना ताकतवर है कि वो किसी भी रोबोट को आसानी से हरा सकता है। तो फिर ठीक है विनोद, चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं मोहन। मोहन और विनोद उस जेसीबी में बैठकर गांव में पहुंच जाते हैं और यहाँ वहाँ उस वाटरमेलन रोबोट को ढूंढने लगते हैं। वह दोनों खेत के पास आकर रुकते हैं, तभी वहाँ वाटरमेलन रोबोट भी आ जाता है। विनोद बिना देरी किए जेसीबी को रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और फिर जेसीबी रोबोट वाटरमेलन रोबोट से लड़ाई करना शुरू कर देता है। जेसीबी रोबोट वाटरमेलन रोबोट को हरा देता है। सुपर रोबोट वर्सेस जायंट मॉन्स्टर। एक बड़े शहर में सभी लोग खुशी खुशी रह रहे थे और उनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन कुछ ही देर में इस शहर में रह रहे इन सभी लोगों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी।
उस शहर के पास एक डरावना सा पहाड़ी इलाका था जहां एक कई साल पुराना ज्वालामुखी भी था। एक दिन वह ज्वालामुखी सक्रिय हो जाता है और उसके अंदर से ड्रैगन बाहर निकल कर आता है। उस ज्वालामुखी में से एक एक करके कुल 3 ड्रैगन्स बाहर निकल कर आते हैं। वो सभी ड्रैगन्स बहुत भूखे थे और वह केवल इंसानों को खाना ही पसंद करते थे, और इसीलिए सभी ड्रैगन शहर की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि वह इंसानों का शिकार कर सके। जब वह सभी ड्रैगन्स शहर में पहुंचते हैं तो वह इंसानों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, और जब उन्हें बहुत कम इंसान शहर में दिखाई देते हैं तो वह पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इन सभी ड्रैगन्स को देखकर शहर के लोग बहुत डर जाते हैं और शहर में भगदड़ मच जाती है। वह ड्रैगन्स इंसानों को भी बारी बारी से खाने लगते हैं। कुछ समय में यह बात वहां की सरकार को पता चलती है और कुछ ही देर में वहां मिलिट्री फोर्स पहुंच जाती है। सभी सोल्जर्स उन ड्रैगन्स पर फायर करने लगते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। जब मिलिट्री फोर्स ड्रैगन को चारों ओर से घेर लेती है तब ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है, तो वह उन सभी सोल्जर्स को जलाकर मार देते हैं। वह सभी सोल्जर्स उन ड्रैगन्स के हाथों बेरहमी से मारे जाते हैं, और इसके बाद तो वह बिल्कुल नहीं रुकते और तबाही मचाते रहते हैं। वह सभी सोल्जर्स मारे गए, यह बात उनके सुप्रीम कमांडर को पता चलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस शहर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। अगर हमने इन मॉन्स्टर्स को जल्द से जल्द काबू नहीं किया तो ये बाकी शहरों को भी इसी तरह तबाह कर देंगे, इसीलिए हमें इन्हें रोकने के लिए कोई प्लान बनाना होगा। सर, क्यों ना हम इस शहर पर एक न्यूक्लियर मिसाइल गिरा दें, उससे सभी मॉन्स्टर्स एक साथ ख़त्म हो जाएंगे। वाह, क्या आइडिया है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन क्या तुमने इस बारे में सोचा कि उन न्यूक्लियर मिसाइल से हमारा क्या होगा? नहीं सर, बेवकूफ़ कहीं के, उस मिसाइल से हम सब भी मारे जाएंगे। सॉरी सर। सर, अगर हम इस शहर को पूरी तरह से खाली करा दें और फिर उस न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा? लेकिन तुम क्या सोचते हो, इतने बड़े शहर को खाली कराना क्या कोई बच्चों का खेल है? सर, क्यों ना हम एक रोबोट बनाएं जो बहुत पावरफुल हो, और हम उनसे उन मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा सकते हैं। सर, गुड आइडिया, हम जल्द से जल्द वहाँ एक रोबोट भेजेंगे। सभी सोल्जर्स एक मेगा रोबोट बनाकर उसे शहर में भेजते हैं। ड्रैगन्स उस रोबोट को देखकर हैरान हो जाते हैं, उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। थोड़ी ही देर में रोबोट एक एक करके उन ड्रैगन्स को मारना शुरू करता है। ड्रैगन्स का रोबोट के सामने टिक पाना नामुमकिन था। उनमें से एक ड्रैगन अपने महाराज को पुकार कर बुलाने लगता है। कुछ ही देर में उन ड्रैगन्स का महाराज उस जगह पहुंचता है जो कि दिखने में बहुत ही खूंखार और डरावना था। वह दानव उस रोबोट को दूर खड़ा देखने लगता है और भागकर उस पर हमला कर देता है। रोबोट पर इतने वार होने के बावजूद भी वह फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार रोबोट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और फिर उस दानव को मारने के लिए एक जादुई तलवार को लाता है। रोबोट उस दानव को उस तलवार की मदद से बीचों बीच से काट देता है, और फिर इस तरह उस दानव का अंत होता है।